रोज एक बार अपने को जगाएंगे। इसलिए देखो, मैंने तो ऐसे किया, बहुत बार किया, अभी भी किया, आप भी कर लें। कोई ऐसी 10 श्रेष्ठ स्मृतियां लिख के रख लें, बाबा ने मुझे ये याद दिलाया, ये याद दिलाया। रोज एक नजर डाल दिया करें, एक मिनट लगेगा, जागृति रहेगी। पसंद है? सब करेंगे। अब एक लास्ट बात सभी के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थी तो उस पर बहुत ध्यान देंगे। बाबा से हमें वरदान मिले हैं, अपने वरदान को पहचाने। सिंपल सिंपल लोगों को के पास भी कभी कभी हमने वरदान देखे। मैंने सुनाया था यहाँ क्लास में, एक भाई गुजरात का, बड़ा भोला सा, मेरे पास आया, कहा मुझे एक वरदान बाबा से मिला है मुक्ति देने का। कोई बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो गया हो, दुखी हो रहा हो, मरना चाहता हो, तो मैं उसको तुरंत मुक्ति दे देता हूँ। कहा मैंने 26 को दे दी है। मैंने कहा देख लेना, पाप ना हो जाए भाई, उनसे पूछ लिया करो अच्छी तरह। कहा नहीं, सब कुछ पूछ के, उनकी इच्छा, परिवार वालों की इच्छा। तो ये वरदान है, वो इतना भोला सा है कि आप उसे देखें तो आप कहेंगे नहीं ये कोई बहुत अच्छा योगी होगा, इसको भगवान से वरदान मिले होंगे। लेकिन बहुत समर्पित है, सेंटर में सेवा करता है, रहता नहीं है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। हर एक को बाबा से कुछ वरदान मिले हैं, अब पहचाने अपने वरदान को। मैं आपको दो चार चीजें याद दिला दूं, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनका ध्यान अपने पर बहुत ज्यादा है, वो बाबा की ये बात याद रखें। ये सब बाबा के बोल हैं। एक दिन ऐसा समय भी आएगा, तुम इतने शक्तिशाली बन जाओगे, यहां सोचा वहां हुआ। यह है संकल्प सिद्धि का वरदान, सबसे पावरफुल, इससे आगे कुछ नहीं होता। यह उनको प्राप्त होगा जो व्यर्थ संकल्प से लंबा काल मुक्त रहे और योग युक्त रहे। भावनाएं बहुत श्रेष्ठ रही। दूसरा वरदान बोल की सिद्धि का। एक तो वरदान रोज मुरली में आते हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। दूसरा वरदान बोल की सिद्धि का, ये उन्हें मिलेगा बाबा के शब्द, इन पे मुरलियां चली हुई हैं शुरू में, जो आत्मा जहां 50 शब्द बोलने हो वहां 5 शब्द बोल कर कार्य करे, मीनिंगफुल वर्ड्स हो जाएंगे 5 शब्द उस, और योग युक्त हो उसको बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही बहुत बड़ी होंगी। तीसरा वरदान विघ्न विनाशक का, क्योंकि आने वाले दिनों में बाबा ने यह कह दिया, विघ्नों के पहाड़ टूटेंगे। और हम सबके लिए भी कह दिया है कि तुम्हें केवल अपने विघ्न नहीं, सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा। ये वरदान ले लें बाबा से। चौथा, इस संसार में दुख बहुत बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे कर्मों के कारण। दृष्टि देखकर, वाइब्रेशंस देखकर दूसरों के दुखों को हरना। और पांचवा वरदान बहुत बड़ा है, संकल्प शक्ति का तो है ही, ये बाबा ने बताया हुआ है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस, डॉक्टरी फेल होती जाएगी। ऐसे में यहां हमारे पास बहुत लोग आने लगेंगे,
मानसिक रोग तो विशेष रूप से बढ़ रहे हैं और उनकी तो कोई दवाई होती नहीं। कैंसर कोई लोग ठीक नहीं कर पा रहे, कितनों की मृत्यु हो जाती है। हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज से तो परेशान है, दवाई बढ़ाते जाएंगे और कुछ आता नहीं वहां। तो बाबा ने ये कहा था, मुझे याद रहती हो बात, तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी। 75 की बात है, रक्षाबंधन पर। तुम उन्हें दृष्टि दोगे एक साथ और वो निरोग हो जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी ना फटाफट। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, फाइनल तीसरी स्थिति। प्योरिटी के बाद जिसमें न ईर्ष्या द्वेष रहे, न व्यर्थ संकल्प रहे, जो भी माया के छोटे रूप हैं सब समाप्त, ऐसी आत्माओं की दृष्टि में बहुत बड़ी पावर होगी। हीलिंग पावर कहते हैं इसे, रोगों को ठीक करने के ये वाइब्रेशंस होंगे। ये 5 वरदान हैं बाबा के, ले लें आप कोई भी एक या 5। और मैं आपको याद दिला दूं बाबा के महावाक्य, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदान को धारण करने की शक्ति आ जाती है, ये शर्त है। तो क्या करेंगे हम, अब समाप्ति इसी अभ्यास से करते हैं, कमेंट्री से। जैसे हम बाहर कराते हैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में भी बहुत अच्छी अनुभूति सबको हो जाती, क्योंकि सारा संगठन एक ही स्थिति में अगर बैठता है, जैसे अब हम यहां सब बैठे हैं, अगर हम सब एक ही स्थिति में बैठ जाएं, मान लो 1 मिनट के लिए भी, तो चारों ओर वाइब्रेशंस मोस्ट पावरफुल फैलेंगे। 5 मिनट बैठ जाएं जबरदस्त, 10 मिनट बैठ जाएं तो प्रकृति भी उनसे पावन होने लगेगी। इसलिए जब हम संकल्प देके योग करते हैं तो पूरा संगठन एक ही स्थिति में बैठेगा ना, नहीं तो कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा है। अब हम वरदान लेने की स्थिति का अभ्यास करेंगे। हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, 1 सेकंड में चलें सभी। मैं फरिश्ता आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं, पूरा नजारा देखें सूक्ष्म लोक का, सफेद प्रकाश चारों ओर, परमानंद, ये फरिश्तों की दुनिया। संसार के वाइब्रेशन से ऊपर सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा को देखें, बहुत डिवाइन फरिश्ता, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, बहुत आकर्षक। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, परम सदगुरु सामने हैं, दृष्टि दे रहे हैं।
मस्तक पर तिलक लगाया। अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। और बोले, बच्चे, विघ्न विनाशक भव, ले लें वरदान और स्वीकार कर लें। और जो भी चाहिए वो बाबा के मुख से सुने और स्वीकार कर लें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और बोले, बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें करोड़ों में से चुना है अपने महान कार्यों के लिए। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुम इतने महान हो कि तुम्हारे नाम की माला जप कर ही भक्त समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम पवित्रता के देवता हो, देवी हो। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की सदा ही प्यासी है। तुम जहान के नूर हो। इस सृष्टि के श्रृंगार हो। मेरे नैनों के नूर हो। सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। तुम साधारण नहीं हो, बाप समान हो। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। एक बार ये अनुभव भी रोज कर लेंगे तो मन प्यार से भी भर जाएगा बाबा के, एकाग्र भी हो जाएगा और जागृति भी आ जाएगी। तो ये वरदान है।
सभी लेंगे, ज्यादा ना तो एक में स्पेशलिस्ट जरूर बन जाएं। उस वरदान के आधार से सेवाएं होंगी। ओम शांति।